हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निफ्टी ट्रेडर। दोस्तों, निफ्टी ट्रेडर में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज। और मार्केट में डेटा बहुत ही परफेक्ट वर्क करता है। कल हमने बात किया था कि मार्केट का नीचे का साइड 21,885 वहाँ से भी 100 पॉइंट नीचे गया, क्योंकि मार्केट का एक फोर्स होता है। अगर कोई चीज़ फोर्स से गिरता है तो वो उसके आसपास से जाता है, लेकिन रिवर्सल क्या हमने फाइंड किया। तो चलिए अब थोड़ी सी यहाँ पे आज जो भी हमने डिस्कस किया वो बात कर लेते हैं। यहाँ देखिए, सपोर्ट हमारा 21,730 का, रेजिस्टेंस 22,000 था। यानी रेजिस्टेंस, मार्केट जब नीचे रहा था तो वो नीचे शिफ्ट नहीं हो रहा था, लेकिन 21,870 को ऊपर वहाँ पे क्या मार्केट स्टक हो गया था। बहुत देर तक वहाँ पे 21,870 के ऊपर चला, और ये पूरे लगभग आप देखें तो 1.5 यानी लगभग 1.5 घंटे तक वहाँ पर रहा। और उसके बाद ब्रेकआउट कहाँ पे आया, सबसे बड़ी चीज़ इस देखिए 1127 को हमने यहाँ पर मैसेज कर दिया। अपसाइड ब्रेकआउट 21,960 यहाँ पे फर्स्ट टारगेट होगा, सेकेंड टारगेट 22,060 का ये टारगेट हमें दिखाई दे रहा था, क्योंकि रेजिस्टेंस और ऊपर शिफ्ट हो रहे थे। इसके बाद इसको भी ब्रेक करके 22,168 का हाई लगाया, यानी एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग पॉइंट। तो क्या यहाँ पर डेटा ऐसा क्या सजेस्ट कर रहा था? पहले आप प्रीवियस में अगर देखते होंगे हमारी पोस्ट जो है, तो मैं वहाँ पर बता देता था कि FII पुट बाई कर रहे हैं, कि प्रो वहाँ पर कॉल बाई कर रहे हैं, ये सब कुछ मैं मैसेज करता था। लेकिन मैं अभी सीधा टारगेट बता देता हूँ, जिससे आपको ईजी रहेगा कि मार्केट कहाँ तक जाएगा। तो ये सब कुछ डेटा के ऊपर संभव है। अब कुछ लोग ये बोलेंगे कि यार तुमने तो कल ये बोला था, आज तो होगा नहीं, तो कमेंट करने करते रहेंगे। बाकी आप बिल्कुल डेटा को फॉलो करिए दोस्तों, मार्केट में परफेक्ट डेटा वर्क करता है। चलिए हम बात करते हैं डेटा का, कि डेटा यहाँ पे क्या चेंजमेंट हुआ है फ्यूचर एंड ऑप्शंस में। आज जब मार्केट नीचे ट्रेड करता है, रिटेल ट्रेडर को यहाँ लॉन्ग और शॉर्ट दोनों क्लोज किया गया। लॉन्ग इनका क्लोज कराया गया, ज़्यादा लॉन्ग उन्होंने क्लोज किया। तो नेट टू नेट 1,31 से 1,27,000 अभी भी ये क्या है, बुलिश है यहाँ पे। मैं एक दिन प्रीवियस में और बात किया था कि जब अभी अगर FII शॉर्ट करते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा 10 टाइम्स वो क्या करते हैं, उसके अगेंस्ट में पोजीशन बनाते हैं फ्यूचर का, यानी वो कॉल बाई करते हैं। वहाँ नीचे और मार्केट ले जाएगा, आज उनकी बाइंग कंप्लीट नहीं हुई थी, आज अच्छी खासी क्वांटिटी कॉल की बाइंग किया उन्होंने और फिर मार्केट को ऊपर लेके आए। तो अभी अगर फ्यूचर में देखें, रिटेल ट्रेडर ने क्या किया, लॉन्ग भी बनाई है और शॉर्ट भी बनाई है। नेट टू नेट आपको 4,000 कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है, 4,000 उन्होंने लॉन्ग बनाई है, 1,03,000 अभी भी इनके पास शॉर्ट पड़ा हुआ है। और प्रो यहाँ पे अपनी शॉर्ट और लॉन्ग दोनों पोजीशन क्लोज कर लिया है, प्रो अभी यहाँ पे न्यूट्रल में आ गया है। तो अभी लड़ाई यहाँ पे DII FII दोनों शॉर्ट बेरिश, और यहाँ पे रिटेल ट्रेडर के हैं वो बुलिश हैं। इनकी पोजीशन कहाँ पे अगर आप देखें तो निफ्टी बैंक निफ्टी 4,000 कॉन्टेक्ट में सबसे ज़्यादा उनको बैंक निफ्टी में क्लोज किया गया, निफ्टी उन्होंने क्या किया, लॉन्ग किया, निफ्टी में लॉन्ग किया। चलिए अब हम ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। स्टॉक्स फ्यूचर में सेम एज यूजुअल पोजीशन है, स्टॉक्स फ्यूचर में 40% जो रिटेल ट्रेडर यहाँ पर लॉन्ग है, DII 51%, FII ने थोड़ी सी आज पोजीशन बनाई है, 1% से 1% से ये 3% से आ गए, और 8% हमारा रिटेल प्रो बैठा हुआ है। मेन ऑप्शंस का डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अल्ट्रा शॉर्ट टर्म का डेटा होता है, ये क्या पोजीशन कैरी कर रहे हैं, कॉल साइड एंड पुट साइड दोनों। आते देखिए रिटेल ट्रेडर आज क्या है, एक कॉल की सेलिंग कराई गई, 2,72,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, मार्केट जब नीचे आ रहा था वो कॉल की सेल कर रहे थे और पुट बाई कर रहे थे। एक हमारे बहुत खास मित्र हैं, उनसे बात भी हुआ था, मैं आपको उसका स्क्रीनशॉट भी कभी भेज दूंगा कि क्या हो रहा है। मैंने उनको पर्सनली बोला कि रिटेल ट्रेडर आज पुट बाई कर रहे हैं, शायद वो वीडियो जरूर देखेंगे और वो जरूर मुझे मैसेज करेंगे कैसा बात हुआ था हमारा। तो यहाँ पर आप देखें कि रिटेल ट्रेडर क्या है, कॉल की राइटिंग कर रहे थे और वो बिल्कुल कॉल की बाइंग नहीं कर रहे थे। यानी उनके पास जो 1,29,000 यहाँ पे राइटिंग था, 1,88,000 और उसने राइटिंग बढ़ा दी कॉल में, वो बेरिश पोजीशन बना रहे थे और तो और पुट की वो बाइंग कर रहे थे। 10,88,000 कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने पुट की बाइंग की फ्रेश, 9,44,000 सेल भी किया, लेकिन नेट टू नेट 1,43,000 से वो पुट की बाई करके गए, पुट बाई किए, कॉल सेल वो दोनों उनका क्या है, बेरिश भी हुआ है। ओवरऑल वो बुलिश हैं, लेकिन आज उन्होंने अच्छी खासी क्वांटिटी बेरिस बनाई है। FII कॉल की बाई कर रहे थे, 2,35,000 कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने कॉल बाइंग की, सेलिंग 1,80,000, नेट टू नेट 56,000 उन्होंने क्या किया, बाइंग किया। पहले से भी उनकी बाइंग थी, 2,81,000 हो गया। पुट साइड उसने क्या किया, 2,81,000 बाइंग की, 2,11,000 सेल भी किया, 70,000 पुट भी बाई करके गए, उनकी पोजिशन हेज करके यहाँ 4,20,000।
तो ये एक उनकी एक अच्छी चाल थी कि मार्केट को ऊपर ले जाया जाए, यहाँ पर फिर रिटेल ट्रेडर को ट्रैप किया जाए। और इसमें प्रो ने एक अच्छी भागीदारी निभाई। कैसे? प्रो के पास कॉल की जो राइटिंग थी वो क्लोज कर दी, उसने बाइंग कर लिया। अब देखिए 1,18,000 पूरे के पूरे राइटिंग को क्लोज करके 36,000 टू बाइंग में आ गए, फ्रेश बाइंग। और पुट साइड जो उसने बाइंग किया था 1,92,000 वो क्लोज कर दिया और राइटिंग कर दिया 4,58,000 का। तो नेट बेसिस पे 26,000 की राइटिंग हो गई उनकी, यानी आज 2,18,000 उसने ज़्यादा राइटिंग की, 26,000 ज़्यादा हुआ। प्रो यहाँ पे कॉल बाई करके गया है, तो मंडे में मार्केट क्या करेगा, ऊपर रखेगा वो मंडे को। बिल्कुल आप देख रहे होंगे कि जब भी बाई करके आता है मार्केट ऊपर रखता है, तो ऑब्वियसली मंडे को मार्केट ऊपर रखेगा। अब मार्केट कहाँ तक ऊपर जाएगा, यानी एफआईआई एंड प्रो का डाटा यहाँ पे बुलिस और रिटेल ट्रेडर का डाटा यहाँ पे बेयिश है, तो मार्केट कहाँ तक ऊपर जाएगा, कौन सा लेवल होगा। एक्सपायरी देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि एक्सपायरी 22,500 के आसपास होगा। इस चीज़ों को आप नोट कर लीजिए कि ये मंथली एक्सपायरी 22,500 प्लस माइनस 200 पॉइंट्स, यानी 22,300 से लेके 22,700 यहाँ तक होगा, इसी के बीच एक्सपायरी होगा। यानी यहाँ से और 200 पॉइंट ऊपर जाएगा निफ्टी, 100% आप लिख लीजिए, कहीं पे भी लिख लीजिए दोस्तों। इसको सपोर्ट अभी 22,000 का है, रेजिस्टेंस 22,121 का, न्यूट्रल पॉइंट 22,167, क्लोजिंग उसके ऊपर दिया है मार्केट, यानी रेजिस्टेंस के पास मार्केट दिया है क्लोजिंग। राइटर 57% से यहाँ पे राइटर है, वो 57% कॉल में बैठा हुआ है, यानी थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे राइटर है, थोड़ा सा ज़्यादा राइटर है। और बायर की बात किया जाए तो 75% से जो बायर क्या है वो कॉल में बैठा हुआ है, यानी बायर यहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा पोजिशन बाई करके गया है बिग प्लेयर। 21,922,000 ये दोनों डेटा आपको अभी निकल के आ रहा है, 21,500 का भी डेटा है दोस्तों। लेकिन डेटा क्या है यहाँ पे, निफ्टी का देखा जाए तो स्लाइटली बेरिश है आपको, स्लाइटली स्लाइटली बेरिश है, लेकिन ये आपको 21,000 22,500 का इंडिकेशन दे रहा है, रेजिस्टेंस बहुत ऊपर है और मार्केट ऊपर जाएगा। बैंक निफ्टी 47,500 का सपोर्ट, रेजिस्टेंस में कुछ यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ी मुझे लग रही है, इसलिए न्यूट्रल पॉइंट गड़बड़ हो गया, इसको थोड़ा सा इग्नोर करिएगा, मैं चेक कर लूँगा दोस्तों। 56% राइटर हुए आपको पुट में बैठा हुआ है, बायर 78% कॉल में बैठा हुआ है। बैंक निफ्टी जबरदस्त बुलिश है, 47,500 47,300 यानी आपके यहीं पर क्लोजिंग दिया है। अब 48,000 रेजिस्टेंस है मंथली में, 48,000 का यहाँ से 500 पॉइंट और जाने के चांसेस हैं बैंक निफ्टी में। मिड कैप निफ्टी एंड फिन निफ्टी, फिन निफ्टी का 21,075 का सपोर्ट, रेजिस्टेंस 21,250, न्यूट्रल पॉइंट जहाँ पे वहीं मार्केट क्लोजिंग दिया है। 97% बायर जो बैठे हुए हैं कॉल में और 86% राइटर भी बैठा हुआ है पुट में, तो ये आपको बहुत ही ज़बरदस्त बुलिस है, ज़बरदस्त। 21,000 21,100 इसके बीच, इसके ऊपर जाके और क्लोजिंग दिया है, यानी मार्केट में एक अच्छी बुलिशनेस पड़ी हुई है। और अगर देखा जाए मिड कैप निफ्टी, तो अभी 66% राइटर कॉल में है, 79% बायर कॉल में है, 10,650 का यहाँ पे क्या है, ग्रेविटी है जहाँ आज क्लोजिंग दिया है, 11,000 का यहाँ पर रजिस्टेंस है, तो ये दोनों बिल्कुल टच करने वाले हैं। अब आपको कहाँ पे ट्रेड करना है, कैसे ट्रेड करना है, इस लेवल को देखा जाए तो, कल अगर आप हमारी वीडियो देखे होंगे तो उसमें हमने बात किया था कि आपको 21,885 कल टच करेगा, उसके 100 पॉइंट और नीचे आया। तो एग्जैक्ट मार्केट को देखिए कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता दोस्तों, कोई एनालिसिस नहीं करता कि यहीं से बाउंस बैक करेगा, कोई भी नहीं। लेकिन आपके पास डेटा है तो 100% आप 80-90% एक्यूरेट हो सकते हैं। वहाँ से बाउंस बैक किया, फर्स्ट टारगेट हमारा 21,967 का हमने बात किया था, जो हमारा कल का यहाँ पे सपोर्ट था उसका लेवल। उसके बाद हमारा सीधा टारगेट था 22,060 का, और नेक्स्ट टारगेट 22,230। मंडे ये लेवल आपको मिलेगा, इसके ऊपर ही मिलेगा मार्केट, और इसके बाद 22,282 जैसे ब्रेक करेगा सीधा टारगेट होगा 22,500, 22,500 का लेवल। आपको जहां नीचे मिले आप खरीदारी कर सकते हैं। बैंक निफ्टी अभी इमीडिएट जो सपोर्ट लेगी 47,400 का, यानी 47,400 47,450 का इमीडिएट सपोर्ट है। टारगेट इसका 47,800 और 48,000, दो ऊपर का टारगेट है ये लेवल, इसके बाद एक्सटेंशन इसका 48,000, सपोर्ट 47,500
के लेवल पे आपको मिले तो एक अच्छी खरीदारी मिलने के यहाँ पे हुई। 500 पॉइंट्स के लिए बैंक निफ्टी आपको देगा। मिड कैप निफ्टी एंड फिन निफ्टी, तो देखिए यहाँ पर फिन निफ्टी बहुत अच्छा है, जो 20,800 का लेवल था इसे बाउंस बैक करके अपने नेक्स्ट जोन आपको आ गया, जो 21,192 का लेवल है। एक बार ये लेवल को ब्रेक करेगा तो फिर इसका टारगेट सीधा 21,400, यानी आपको 21,150 के आसपास मिले तो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है हमारे फिन निफ्टी में। मिड कैप निफ्टी भी आप देखें तो अभी 10,700 का इसका रेजिस्टेंस है, 10,700 ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट टारगेट इसका 10,800, 10,600 का यहाँ पर सपोर्ट है। FII कैश में बिल्कुल आज बाइंग नहीं किया, लेकिन सेक्टर रोटेशन हुआ है। आप देखें सेक्टर, इन्होंने एक अच्छी खासी जो है बाइंग और सेलिंग का डेटा आया है, यानी 16,000 करोड़ का इन्होंने किसी एक सेक्टर से निकाल के दूसरे सेक्टर में डाला है। तो ये कल हम जरूर देखेंगे वीडियो में कि कौन से सेक्टर में पैसे डाल रहे हैं, कौन से सेक्टर आपको अभी अपॉर्चुनिटी दे रहा है बाइंग का। तो आई होप कि दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिए। आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर रखिए। हाँ, एक और मैं आपको अपडेट देना चाहूँगा कि सब कुछ अगर आप सीखना चाहते हैं लाइव मार्केट, देखिए अगर आप 70-80% भी एक्यूरेट हो जाते हैं तो मार्केट आपको अच्छा रिटर्न देगा। बाकी आप फालतू का जो है ना नॉइज से दूर रहिए, डेटा को सीखिए, कहीं से भी सीखिए दोस्तों, डेटा सीखिए। प्राइज एक्शन बड़े प्लेयर देखते नहीं, वो बनाते हैं, जो करोड़ों रुपये लेके आते हैं, मिलियंस डॉलर मिलियंस रुपीस, वो डेटा प्राइज एक्शन बनाते हैं। तो आप जरूर डेटा फॉलो करिए दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपने कमती समय देने के लिए। डिस्क्लेमर है कि वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के आधार बनाया गया, इसके आधार पर कोई भी बाय सेल या होल्ड का ऑप्शन बिल्कुल क्रिएट नहीं करिए। अपने फाइनेंशियल वो जरूर सलाह लीजिए, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के साथ आप बाय शुरू करिए। मिलते हैं कल एक और लर्निंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।